नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड EH एसोसिएशन पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मूल औषधि क्या है, स्पैजरिक या डाइल्यूशन। पहले हम जानते हैं कि मूल औषधि किसे कहते हैं। अलग अलग औषधियों की मूल औषधि अलग अलग होती है, जिसे अंग्रेजी में ड्रग कहते हैं। इसके बाद ही होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डाइल्यूशन तैयार होते हैं। होम्योपैथी की मूल औषधि मदर टिंचर कहलाती है, जिसे क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मूल औषधि मदर टिंचर से एक स्टेप आगे स्पैजरिक कहलाती है। अब सवाल यह उठता है कि स्पैजरिक बनती कैसे है। स्पैजरिक तीन तरीके से तैयार होती है। नंबर एक, पौधों के रंगीन अर्क से। नंबर दो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्टिलेशन से। नंबर तीन, 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर रीडिस्टिलेशन से। पौधों के रंगीन अर्क से स्पैजरिक तैयार करना। वर्तमान में ज़्यादातर स्पैजरिक इसी प्रकार से तैयार की जाती है। इस तरह की स्पैजरिक से तैयार औषधियाँ कभी कभी एग्रावेट कर जाती हैं। इस विधि के अंतर्गत वनस्पतियों का अर्क डिस्टिल वाटर में निकाल लेते हैं, या बने बनाए अर्क या मदर टिंचर मार्केट से खरीद लेते हैं। उसके बाद उसे निश्चित अनुपात 1:9 या 1:47 या 1:49 में मिलाकर क्रमानुसार तीन बार डाइल्यूट करते हैं। प्रथम अनुपात के अनुसार 1 ml एक्सट्रैक्ट के मिश्रण को 9 ml व्हीकल में मिला देते हैं और फिर इसे स्पैजरिक कहते हैं। इस तरह 1:47 और 1:49 का भी अनुपात निकालकर स्पैजरिक बनाते हैं। अब हम जानते हैं कि पौधे के रंगीन अर्क से तैयार स्पैजरिक की विशेषताएं। पौधे के रंगीन अर्क से तैयार स्पैजरिक की निम्न विशेषताएं होती हैं। नंबर एक, इनमें कलर पूर्णता मौजूद रहता है, लेकिन सूक्ष्मता के कारण दिखाई नहीं देता है। नंबर दो, इसमें पौधे के एल्कलाइड्स व अन्य लाभकारी व हानिकारक तत्व मौजूद रहते हैं, लेकिन सूक्ष्मता के कारण दिखते नहीं हैं। नंबर तीन, मदर टिंचर में एल्कलाइड्स होते हैं, इसलिए यह स्पैजरिक एल्कलाइड्स युक्त होती है। यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और हानिकारक दोनों होते हैं। अब जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के डिस्टिलेशन से स्पैजरिक तैयार कैसे करते हैं। इस विधि के अंतर्गत पहले डिस्टिल वाटर में पौधे का अर्क निकाल लेते हैं, जो रंगीन एल्कलाइड्स युक्त होता है। इसके बाद उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन से जो अर्क प्राप्त होता है, उसे सिंगल प्लांट SPS कहते हैं। जब कई SPS को मिला देते हैं तो CCS कंसंट्रेट कॉम्प्लेक्स स्पैजरिक बनता है। अब जानते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के डिस्टिलेशन से तैयार स्पैजरिक की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। नंबर एक, या पूर्णतः रंगीन होती हैं। नंबर दो, एल्कलाइड्स और जहरीले तत्वों से कुछ मुक्त होती हैं। नंबर तीन, एग्रावेशन नहीं करती हैं। नंबर चार, इसमें टेस्ट मौजूद रहता है। नंबर पाँच, स्पैजरिक का pH मान लगभग नॉर्मल रहता है। और नंबर छः, पहले प्रकार की स्पैजरिक से यह कॉस्टली पड़ती है, जिसे जिम्पल मेथड भी कहते हैं। होम्योपैथी में भी यह मेथड है। अब जानते हैं कि 38 डिग्री सेंटीग्रेड के रीडिस्टिलेशन से स्पैजरिक कैसे बनाई जाती है। इस विधि से स्पैजरिक काफ़ी कॉस्टली तैयार होती है। इसमें पहले डिस्टिल वाटर में प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है। इसके बाद उसका 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रीडिस्टिलेशन या कोहोबेशन करते हैं। 38 डिग्री सेंटीग्रेड के रीडिस्टिलेशन से तैयार स्पैजरिक की विशेषताएं।
38 डिग्री सेंटीग्रेड के रीडिस्टिलेशन से तैयार स्पैजरिक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर एक, स्पैजरिक रंगीन होती है। नंबर दो, स्पैजरिक हल्की सुगंधित होती है। नंबर तीन, स्पैजरिक एल्कलाइड्स फ्री होती है। नंबर चार, यह स्पैजरिक अपेक्षाकृत ज़्यादा लाभकारी होती है। नंबर पाँच, इस स्पैजरिक से तैयार औषधियाँ एग्रीवेट नहीं करती हैं। नंबर छः, इस स्पैजरिक का पीएच मान लगभग नॉर्मल रहता है। और अंत में एक ज़रूरी बात कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, यह बिल्कुल मुफ्त है। और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित जानकारी को लेकर। जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी।